जनसुराज पदयात्रा लेकर बिहार को बदलने के लिए संकल्पित प्रशांत किशोर लगातार एक एक गांव जा रहे हैं। गांवों की समस्याओं पर बात विचार भी हो रही है, लेकिन यह बात विचार पर कितना आधारित गांव होंगे यह तो ग्रामीणों के द्वारा ही पता चलेगा। कुछ ग्रामीण यहां पर हमारे साथ भी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत उनसे भी करेंगे, आखिरकार उनके यहाँ की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से है, बात अगर लोग करते हैं तो क्या बदलाव के लिए भी उतना ही तैयार हैं, या आज भी लोग सिर्फ बात करने में ही ध्यान रखते हैं। ये तमाम तरीके की बातचीत हम करेंगे। कुछ भी ग्रामीण अगर जो कुछ भी बात करना चाहते हैं वो आगे बढ़े, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, जो भी आप बात करना चाहते हैं आपसे बातचीत की जाएगी। समस्याओं पर बात करने से लोग कतराने लगे हैं, क्योंकि अब नाउम्मीद होते हुए ग्रामीण अब धीरे धीरे स्थिति को संभलते नहीं देख पा रहे हैं। दो ग्रामीण फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? तूफानी बैठा। धन्यवाद तूफानी जी। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, विकास के अगर बात करें तो विकास कमना स्थिति में बार हुआ क्षेत्र में? विकास तो बुझी की जो बहुत दयनीय स्थिति में बा। कहे के मतलब है कि जो हम लोग किसानी है और किसान करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो गन्ना उपराजते हैं हम लोग का, तो गन्ना सही रूप से मिल नहीं ले पा रहा है, हम लोग का गन्ना बर्बाद हो रहा है। जो गन्ना जाता है मिल में उसका पैसा भी टाइम से नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम लोग इसी खेती से हम लोग पछड़त जा रहे हैं, सही रूप से नहीं पकड़ पाते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग मजदूर किसान भूखे मर रहे हैं। इस पर कोई भी नेता या कोई मुखिया कोई भी प्रकार का जीतता है हम लोग से पोल्हा कर वोट ले लेता है और काम कोई नहीं करता है। सुबह से स्थिति नहीं सुधर, नहीं स्थिति कोई ढंग से नहीं सुधार हो पाती है, नहीं हम लोग का बच्चों को पढ़ाने के लिए सुधार हो रहा है, नहीं हम लोग का खाने का भी सुधार हो रहा है। तो बने हैं स्कूल में, स्कूल बने हैं, लेकिन मास्टर लो आता है, उन लोग का टाइम है 9 बजे का, लेकिन मास्टर लो आता है 10 बजे 11 बजे और कुर्सी पर बैठ जाता है, अपना गप सप करता है, बच्चा सब खेलता है, पढ़ाते तो पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? नारायण जाधव जी, बताइए क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या ई बा जो हमने गृहस्थी करनी है सरकार, ठीक बा, गन्ना जौन बा हमने के कोई किस्म के गन्ना बा तो उ फलना दिन लिया आई चिलना दिन लिया आई पैसा आगे साल एक तरह के स्थिति माने हम चल बा खाद यूरिया डाई जब मुकावता तो डाई निपाता यूरिया निपाता मिलते नहीं के किसान के डाई यूरिया के समय पर यह है बड़ा हमें 10 दिन के बाद खोजी डाई तो डाई होले नहीं है, आ यूरिया का समय जब आओता धान अब की धान खत्म हो गई बट साफ यूरिया के अभाव में धान खत्म माने जब खेत में डाले के समय आई तक नहीं मिलत 500-600 रुपए में यूरिया मिलल किन के आदमी केहू केहू तरह कहीं किसानों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खाद डाल गई। कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए अब यहाँ पर प्रशांत किशोर का जो कारवा है वो पहुंचने वाला है, ये जो झंडे लिए बच्चे आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं ये एक बदलाव के नए नजरिए के साथ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा उस तरफ कैमरा घुमा लीजिए, किसी भी वक्त प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनका कारवा एक एक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया है, अब इस गाँव तक पहुँचा है। देवरुआ गांव में अब प्रशांत किशोर पदयात्रा लेकर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इसी गांव के विधायक जी रहने वाले हैं जो 3 बार से लगातार विधायक रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये ग्रामीणों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर के आने से। और ये जो तमाम लोग अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी लोग प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए जनसुराज के नारों के साथ प्रशांत किशोर का आगमन हो चुका है। प्रशांत किशोर अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब हम आपको छोड़ जाते हैं इस सभा के साथ, सुनिए आखिरकार प्रशांत किशोर क्या कुछ बोल रहे हैं।
के गांव में थोड़ा सा इधर से बाएं बाएं से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, इधर से भी भैया थोड़ा 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 पीछे हो जाइए। जी और उनके साथ पैदल चलते हुए बिहार भर के और सैकड़ों लोग आपके गांव में पहुंचे हैं। एक बार आप अपने गांव की धरती पर अपने इस प्रांगण में सारे लोगों का हम लोग मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत आपके ही जिला चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से 2 अक्टूबर को शुरू हुई है। प्रशांत जी ने यह संकल्प लिया है कि जब तक बिहार के अधिकांश गांव, कस्बा, पंचायत, बाजार जाकर लोगों से मिल ना लें, उनकी समस्याओं को देख ना लें, उनसे परिचित ना हो लें, तब तक वापस लौटकर घर जाने वाले नहीं हैं। और उसी संकल्प के तहत आज आपके गाँव में आए हैं। अब हम कार्यक्रम को, इस चौपाल को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में स्थानीय आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से और उनसे निवेदन करते हैं कि संक्षेप में उनके विचार से हम लोग लाभान्वित हों। सबसे पहले यहाँ पर मेरे दरवाजे पर इस गांव में आए हुए इस क्षेत्र से सारे जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, वहां से नहीं बात, आप सबों का स्वागत करता हूँ। उसके बाद मैं हमारे श्री प्रशांत किशोर जी जो आए हुए हैं एक बहुत अच्छा नेक इरादा लेकर पूरे बिहार की 3000 किलोमीटर पदयात्रा नई सोच नई ऊर्जा के साथ निकले हुए हैं और हम लोग इनके इस विचार से कायल हैं कि जिन्होंने इस देश में सरकार बनवाया, जिन्होंने लगभग 10 स्टेट में 10 राज्यों में अपने दिमाग के बुद्धि के कौशल से सरकार बनाया और इन्होंने राजनीति को बहुत गहराई से देखा है। राजनीति में जो गंदगी है, जो फैली हुई है, उस कचरा को साफ करने के लिए एक नेक इरादे से नई सोच के साथ हम युवाओं के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के साथ से आए हैं नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ। इसलिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप किस मनोकामना के साथ निकले हैं, माँ भगवती से कृपा है कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। हम लोग के बीच में आदरणीय विनय यादव जी, हम लोग के बीच में जेपी सेनानी साथ में पैदल चल रहे हैं 2 अक्टूबर से ही, आदरणीय विनोद राय जी, हम निवेदन करते हैं कि आपका संक्षेप में उद्बोधन हो। और यात्रा के लंबे अंतराल के बाद हम आज आपके गांव में उपस्थित हैं माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ और मंच पर मिश्रा जी बैठे हुए हैं और हमारे साथ अजीत बाबू भी आपके चंपारण के ही हैं, वो भी बैठे हुए हैं। आप लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये नजर इतना तगड़ा है कि जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कभी भी अगर सामने आ जाइएगा तो मुझे उसको मैं पहचान जाऊंगा, मेरा फोटोग्राफी बहुत तगड़ा है। मित्रों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम का, इस अभियान का जो दूरगामी लक्ष्य है वो आपको अभी समझने में थोड़ा देर लगेगा लेकिन सही सोच, सामूहिक प्रयास और सही लोगों के साथ जो हम एक
मुहिम या संगठन तैयार कर रहे हैं जिसको हम एकत्रित करेंगे और प्रशांत जी एकत्रित करेंगे पटना में, उसमें हम लोग तय करेंगे मिल बैठ करके लोकतांत्रिक ढंग से कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं कैसा बिहार बनाना चाहता हूं, उसका दिग्दर्शन उसी सामूहिक सभा जो पटना में एकत्रित होंगे हम लोग पूरे बिहार के, उसमें आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। पीड़ित है समस्या जन जन का, क्या समस्या है, क्या बेबसी और लाचारी है, इसको लोग एकत्रित कर रहे हैं, उसका एक विजन तैयार किया जाएगा जो आप सभाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपका मानस स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे आने वाले दिनों में कैसा बिहार होगा। और मैं ज्यादा क्या कहूं, अभी तो मेरा पहला मीटिंग है यह, मैं घबरा रहा हूं आप लोगों को का सामना करने में, लेकिन अगर इस तरह का अवसर मुझे मिला तो मैं अवश्य ही आप लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दूंगा और बता दूंगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों को मैं कन्विंस कर दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम लोग प्रशांत किशोर जी के विचार को, उनकी सोच को हम सब लोग सुनेंगे। उससे पहले एक नारा मेरे साथ सब लोग मिलकर के लगाइएगा कि जो झंडा देख रहे हैं पीली झंडा, महात्मा गांधी बापू की फोटो के साथ, हम लोग टोपी भी लगाए हुए हैं गांधी जी की फोटो के साथ, ये जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज, जनता का राज। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नीतीश जी का राज नहीं, लालू जी का राज नहीं, मोदी जी का भी राज नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। इसी को बताने, इसी को समझाने के लिए प्रशांत जी हम सबके बीच में आए हैं। तब एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा, मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप सब लोग दो बार बोलिएगा जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। अब हम लोग प्रशांत जी के विचार को हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। रवा गांव में आके रवा सबसे मिले के परिचय करे के जो अवसर मिलल बा ओकरा खातिर सबके धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, यही बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कुनार के रहने वाले हैं। यहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग या कुछ लोग जिस परिचय से मुझे जानते हैं या मीडिया जिस नाम से मुझे बुलाती है, राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह, ये काम 10 साल तक किया है। 2011 से 2021 तक 10 साल में देश के 11 अलग अलग चुनाव कराए, बड़े बड़े नेताओं के साथ, राजनीतिक दलों के साथ काम करने का अवसर मिला। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दें तो कोई भी चुनाव जिस नेता जिस दल के साथ काम किए हैं कभी कोई चुनाव हारा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको चुनाव जिताने की कोई हुनर, कोई कला आती है। इसका मतलब इतना ही है कि जिस काम को लेते हैं उसको ईमानदारी से, मेहनत से, पसीना लगाकर, शरीर लगाकर करते हैं। ऊपर वाले का की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, ईमानदारी से कोई प्रयास कीजिएगा तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। 2021 में मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि
कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वह काम करके इतना नाम कमैले बानी। लोग बताते हैं कि उस काम को करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था, तो फिर उस काम को क्यों छोड़ दिए? उस काम को इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल काम करके देखा, अनुभव किया कि सत्ता के परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो। सत्ता के परिवर्तन होने से, नेताओं के बदलने से ये जरूरी नहीं है कि लोगों की जिंदगी बदल जाए। तो मैंने सोचा कि अगर भगवान ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है, कुछ क्षमता दी है, तो ऐसा कुछ करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये तय किया है कि बिहार आएंगे। अब आदमी पूछो तान कि बिहार का है आइल बनी, 10 वर्ष के बाद बिहार क्यों आए? बिहार ऐसे आइल बनी कि यही माटी में जन्म भइल, एजे हमु पलल बढ़ल बानी, और जो आज राज्य की स्थिति है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हम लोग के राज्य बिहार में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है, उसको चुकाना जरूरी है। मेरे जैसे आदमी की अगर हिम्मत नहीं होगी, अगर हम आकर इस राज्य के लोगों के लिए कुछ करने का सार्थक प्रयास नहीं करेंगे, तो किसका हिम्मत पड़ेगा? इसीलिए वापस आए। आके जा दल ने की बनाई ले, रउआ से वोट ने की मांगत, पदयात्रा कर रहल बानी। आदमी पूछो तान की पदयात्रा काहे करता, का मनसा बा, काहे कर रहल बान पदयात्रा? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर ये देखें तो सही कि वो लोग रहते कैसे। आपकी तकलीफ क्या है? आप जिस गांव, गली, शहर, मोहल्ले में रहते हैं, उसकी हालत क्या है? और लड़का जो ना स्कूल में पढ़े जाता रहा सन, ओजा बिल्डिंग बा की ना, कोई पढ़ावे वाला टीचर बड़न की ना? जब रुआ घर में कोई बीमार पड़ता, रुआ अस्पताल में जाता नहीं, तो ओजा दवा डॉक्टर बा की ना? जब उन खेत में रुआ काम करता नहीं, वो खेत में पानी पहुंचता कि ना? जो उन फसल रुआ उगावता नहीं, गन्ना चाहे धान गेहूं, ओकर रुआ भाव दाम मिलता कि ना? जे लोग मजदूरी कर रहल बा, भूमिहीन बा, ओकरा न्यूनतम मजदूरी भी दिन के 100 रुपया मिलता कि ना? एकर पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं के। अगर हमरा समझे के बा कि रुआ गाँव के दशा का बा, तो ओकरा खातिर तो रुआ गाँवे में आवे पड़ी। हम इंग्लैंड में पढ़ल होकी कि अमेरिका में, हमरा कैसे पता चली कि रुआ गांव में का तकलीफ बा? ओकरा खातिर तो गांव में आवे पड़ी। आज दुर्भाग्य ई बा कि जितना आदमी नेता हो गई, जेकरा के रुआ बटन दबा के नेता बना देनी, राजा बना देनी, अब सब आदमी आकाशे में उड़ता, धरती पर खाली रुआ ऐसा जनते बच गए बिया। मान बात, कोई नेता धरती पर नहीं खान, जे नेता हो गए लबु आकाशे में उड़ी, ओकर लड़का हेलीकॉप्टर पर चली, आ राउर लड़का के चले खाती रोड भी नहीं खे, ओकरा पैर में चप्पल भी नहीं खे। यही से निकलल बानी, यही से निकलल बानी पद यात्रा पर, देखे निकलल बानी, समझे निकलल बानी, लोग के क्या परेशानी बाई समझे चाहता नहीं, लोग से परिचय करे चाहता नहीं, क्या करे से स्थिति सुधरी समझब, तबे ना कोई एक रास्ता निकली। जब हम जानते नहीं कि रुआ का तकलीफ बा, तो का रास्ता कैसे निकालल जाए? तो पदयात्रा के संकल्प ले बानी कि पूरा बिहार में हर गांव, गली, कस्बा, गली, मोहल्ला, पंचायत, शहर में पैदले चल के जाए के बाद पूरा बिहार घूमे में करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चले पड़ी, आ चले में 1-1.5 साल के समय लागला। लेकिन एक बार संकल्प ले लेनी, घर द्वार परिवार सब, जीवन में जो कुछ भी है सब छोड़ कर आए हैं, संकल्प ले लिए कि अब इसको करना ही है,
तो जब तक पूरा बिहार नहीं कर लेंगे तब तक घर लौट कर जाने वाले नहीं। जहां सांझ हो गई वही रुकता नहीं आ फिर अगला दिन वही से चलल जाए। मान लीजिए रवे मच्छरगामा में बगल में आके हमने के दो दिन से रुकल बानी जा लोग से मिल रहा बानी वो पीछे से चलत नवलपुर से आवत नहीं फिर ऐजा से आगे चलब जहां सांझ हो ऊजा रुकल जाए। ये पूरा जो प्रयास है बिहार में इसका जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि आपकी जो तकलीफ है आपकी जो दुर्दशा बदहाली है वो वोट देने से नहीं सुधर रहा है। हमने के सब के वोट दे के देख लेनी जा। पहले कांग्रेस के दिया है दिल्ली में फिर अब मोदी जी के दे के देख लेनी जा। राज्य में पहले लालू जी के दिया है अब नीतीशो जी के दिया के देखा गया। 35 साल हो गया लालू नीतीश जी यहाँ पर राज कर रहे हैं अब बिहार का दुर्गति सुधर नहीं रहा है। दिल्ली में देखी मोदी जी प्रधानमंत्री बाड़ा सब आदमी हमने के मोदी जी के वोट देले बानी जा देले बानी जाना भाई मोदी जी के वोट दियाइल बा तबे प्रधानमंत्री बाड़ान। 14 में हम उनकर चुनाव प्रचार करत रही हमारे जिम्मा रहे उनकर प्रचार नारा लिखाई लो घरी हर हर मोदी घर घर मोदी सुनले बानी ना। तो गुजरात के आदमी मोदी जी आ घरे घर आदमी जान गई मोदी 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 हो गई घरे घर से आदमी वोटो दे दिल सभी बुझल कि अब भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हो जी हम तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाये सब जगह फैक्ट्री लाग जाये लेकिन के पढ़ाई के रोजगार के व्यवस्था हो जाये कुछ भइल 8 साल में ना ना भाई कुछ भइल होके चाहे ना घरे घर से वोट दियाइल बा तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपया दिया था ना दिया था ना 1200 रुपया छूट नहीं क्या ना मिल ऐसा नहीं क्या ना कि मोदी जी के बटन दबाइले बानी तो सिलेंडर 600 में मिलत होके 1250 में लागता तो वोट हमनी के देले बानी जब मोदी जी के तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी हमनिये के देवे के पड़ी। देख ली नीतीश जी लालू जी राज कर रहा बान जा एजा चंपारण में हम पैदल पैदल चलता नहीं एको धूर जमीन खाली नहीं खे खेती हर जगह बा कहीं धान बा कहीं गन्ना बा फिर भी इतना गरीबी बा आदमी से पूछा था नहीं कि भाई इतना खेती होता फिर भी इतना गरीबी का है बा। तो एगो बहुत बढ़िया किसान हमारा के बतैलन कि ए भैया का कहीं किसान के हालत तो पूछबे मत करी पहले किसानी खेती करे वाला जो आदमी रहन परिवार रहे 2 बरिस 3 बरिस 5 बरिस खेती करत रहे पेट काट काट के सतुआ खा के आदमी 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन खरीदत रहे। अब जो अगर 5 वर्ष रुपए खेती किसानी कर लेनी तो 5 कट्ठा जमीन बेचा जाए बेचाता ना भाई बेटी के ब्याह लाग गई कोई बीमार पड़ गई तो उनका खेत बेचा जाए के बाद। अब रुआ बात के समझी 277 रुपए के यूरिया रुआ खरीदत नहीं 700 800 900 में डीएपी या पोटास पर 500 से 800 रुपया ब्लैक लागता आ 2000 रुपया के जो धान बा वो करा के रुआ बेचत नहीं 1300 में तर और खेत बेचाई ना तो का हुई बताई 2000 के धान अगर 1300 में रुआ बेचब तो खेत बेचेबे ना करी भाई। आ डीजल के दाम यूपी के मुकाबले रुआ 9 रुपया लीटर ज्यादा देता नहीं नीतीश कुमार कहता शराबबंदी लागू बा बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी आप लागू कर दिए तो हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का सरकार का नुकसान हो रहा है। अब 20 हजार करोड़ रुपया भरपाई करे खातिर डीजल के दाम 9 रुपया 10 रुपया बढ़ा दिया तो आपके हमारे जेब से वसूला रहा है। शराबो बंद नहीं के घरे घर होम डिलीवरी भी होता होता ना भाई होता। गरीब आदमी कहीं गलती से शराब के संगे पकड़ा गई लो तब उनका खैर नहीं के घरे से दलित महादलित बस्ती में कुछ आदमी जो शराब वराब कहीं गलती से पकड़ा गई बेचारा तो ओकरा के पकड़ के जेल में फुसाता उ नहीं के बेटा तो ओकर परिवार के आदमी के पकड़ के ले जाता पुलिस। आ बड़ा आदमी जे बा जे धंधा कर रहल बा माफिया बा शराब के कोई पूछे वाला ओकरा के नहीं के खुलेआम डिलीवरी हो रहल बा। आ नीतीश कुमार कहत हन कि शराबबंदी लागू बा यही खातिर ना पुराना जमाना में हमनी के सुनत रही जा खिस्सा कहानी होत रहे कि देश में जे प्रतापी राजा होत रहे ओकरा खातिर हमने के सुनत रही जाए कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहन ई देखे खातिर समझे खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा
अब देखी आज के समय, अब आज के जे राजा बा जेकरा के राजा रउआ हम बनैले बानी जा, रात में निकलल तो छोड़ दी, जब दिनों में वो आदमी आवत आवतन तो इतना पुलिस सुरक्षा लेके आवत कि जनता से ओकरा भेटे नहीं थे। जेकरा से पूछी भाई इतना सुरक्षा काहे के बा, तो बहुत भारी इनका पर रिस्क बा। नेताजी के आवे से पहले ही पुलिस डंडा मार के कहता हटो हटो हटो, मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, रुआ भेंट नहीं के होके के डंडा चालू बा। जेकरा के रुआ बटन दबा के राजा बनई नहीं, अब बुझात की रुआ से भेंट हो जाए तो उनका बुखार लग जाए। हम पैदल चल रहल बानी, आज 35 दिन हो गए, एगो हमरा संगे हवलदारो नहीं खन चलत, कोई कुत्तो काटत हमरा के। नेताजी आज इतना पुलिस लेके आई बुझाई कि बाप रे बाप, इनके पर पूरा देश के आतंकवादी लागल मान घेरे के मान बात, ये दुर्दशा बा। अब हमनी के 5 बरिस से सब बात तो रुआ बुझाता, रुआ अपना घरे बत बतियावता नहीं, खेत में दलान में खरिहान में आदमी बतियावता कि कितना भ्रष्टाचार बा, एजा शिक्षा नहीं खे, गरीबी बा, अस्पताल नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे मिलत। लेकिन गलती ही होता कि 5 बरिस बतियाला के बाद जहिया भोटवा होता तो वो दिन आदमी सोचत आन कि भाई अपना जाते वाला के चल के दे दो, होता ना भाई। अगर जात से कहीं बचियो गए नहीं तो हिंदू मुसलमान में फंसा के रुआ के वो में वोट दिलवा देता हूँ, आ हिंदुओं मुसलमान से बच गए नहीं तो भारत पाकिस्तान में फंस जाए, आ कुल से बचनी तो पुलवामा बोल लेगा। आदमी कहता कि पाकिस्तान के सबक सिखा दी हल जाए, दो भाई तुरंत वोट कमल पर दबावो। वो दिन भुला गए नहीं रुआ कि राउर लड़का के पढ़ाई नहीं थे, वो दिन रुआ भुला गए नहीं कि बाबूजी बीमार पड़ल रहन तो डॉक्टर ना मिलल, वो दिन भुला गए नहीं कि 2000 के धान 1200 बेचले रही, वो दिन रुआ पाकिस्तान के सबक सिखावे खातिर वोट दबावता नहीं, तो भैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी रुआ हमरा के बताई। हमारा के आदमी कहते कि भैया रुआ दल बना ली तो सब ठीक हो जाये, हम रुआ के बताओ तो नहीं कि हम दल बना ले तो कुछ ना सुधरी, हमारा दल बनावे से क्या सुधरी, पहले ही से 50 को दल बा सुधरी, तब जब रुआ जागा जनता जागी तब बात समझ सुधरी। जब रुआ संकल्प ले कि नारे भाई अगला बार वोट लालू जी को नहीं, नीतीश जी को नहीं, मोदी जी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, वोट पड़ना चाहिए उसको जो समाज से चुन कर निकाला गया हो, और जो हम लोग के बच्चा के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, लोगों को रोजगार दे, खेत में पानी पहुंचाए, फसल का दाम दे, वोट उसको न पड़ना चाहिए। यही से कर नाम दे ले मानी जा जन सुराज, जो गांधी जी ने बताया कि जनता का राज होना चाहिए। तो पहला संकल्प का बा कि भाई लोग के बीच में समाज से ढूंढ कर सही आदमी निकालल जाओ, आ ओकरे पीछे पूरा बुद्धि शक्ति पैसा ताकत लगावल जाओ, रउआ आशीर्वाद से ओकरा के जीता के लावल जाओ, तबे न बने जनता के सरकार। का आदमी हमरा से पूछो तड़न कि ए भैया रउआ कैसे पता चली कि सही आदमी के बा, कोई के माथा पर नहीं लिखल कि सही के बा गलत के बा, तो हमरा कैसे पता चली, हम रउआ के बताओ तनी कैसे पता चली। रउआ घरे दही जमता, दही रखल रहता, हमनी के देखो तनी जब दही में तो में मक्खन लौकता नहीं खे लौकत, दही में मक्खन बा लेकिन लौकत नहीं खे, लेकिन वही दही के रुआ मथ देता नहीं तो उनसे तुरंत मक्खन निकल आई। तो समाज के भी हालत वैसे ही बा, समाज में अच्छा आदमी के कमी नहीं खे, जरूरत है बात के बा कि समाज के मथ के उनमें से सही आदमी निकालल जाओ और फिर ओकरे के बढ़ावल जाओ मिलके, ऐसा आदमी के ढूंढ के निकालल जाओ जो समाज के ठगो मत, जो नेता बन के समाज के नोचे मत, समाज खातिर कुछ करो, वे आदमी रही तो ठीक रही। हमरा के रुआ वोट दे दे तो हम आई ठग के चल जाए, हमरा के रुआ कहाँ खोजो। यही से पदयात्रा कर रहल बानी कि समाज के मदद से समाज के से मत के सही आदमी के निकालल जाओ और ओकरे से प्रयास ओकरे पीछे ताकत लगा के जितावल जाओ, सही मायनों में जनता का सरकार बने, उसी से बिहार में गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार दूर होगा। कोई एक व्यक्ति और दल बिहार को नहीं सुधार सकता है, जनता ही मिलकर सुधारेगी, ये काम किया जा सकता है। अब देख ली हमनी के दशा, ऐजा जितना आदमी रहो सब बानी जा,
कौनो ऐसा घर ना हो जेकर समांग बहरी जाके मजदूरी रोजगार नहीं के कर। अभी हम आवत रही तो बहुत दुखद घटना रोवे गांव में भइल बा, एक परिवार के बच्चा का वहां जलंधर में उनका निधन हो गया। एजा से एक बार आदमी जोना लड़का के रुआ पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करता नहीं, 20 वर्ष के लड़का हो गई, 25 वर्ष के लड़का हो गई, पीठ पर झोरा बांध के आदमी चल गलन गांव से मजदूरी करे, 10,000 रुपया कमाए, 15,000 रुपया कमाए। अब साल में रुआ से ओकरा एक बार भेंट होता, छठ में लड़का आई, राउर मरद अइलन, राउर बाबूजी अइलन, राउर चचा अइलन, राउर भतीजा अइलन, तो एक बार 10 दिन 15 दिन 20 दिन ओकरा से भेंट होई, फिर सालों भर भेंट नहीं के होके के। जब तक जवानी बा तब तक ओकरा बाहरे काम करे के बा, आ काम कितना खाती 15,000 20,000 इतने के बात बा, रउआ ओकरा से भेंट नहीं के हो तो जा आदमी बीमार पड़ जाओ, रउआ एजा छटपटा के रह जाए कुछ नहीं की कर सकत, रउआ एजा बीमार पड़ जाए तो ओजा आदमी छटपटा के रह जाए एजा आ नहीं खे सकत। रउआ हमरा के बताई, रउआ कितना बड़ा गांव बा, कोई गुजरात से आके रउआ मजदूरी करता? अरे गुजरात से आके एजा कोई मजदूरी करता भाई? तमिलनाडु से, पंजाब से, कर्नाटक से कोई आके मजदूरी करता? काहे नहीं करत? ओई जो गरीबी बा, ओई जो भ्रष्टाचार बा, ओई जो इहे देश के संविधान लागू बा, ओजा के आदमी आके बिहार में मजदूरी काहे नहीं करत? ओजा के आदमी बिहार में मजदूरी ऐसे नहीं करत कि ओजा के सरकार कम से कम इतना व्यवस्था कर दे बा कि 10-15 हजार रुपया के मजदूरी खाती, रोजगार खाती आदमी के अपन गांव परिवार देहात पंचायत छोड़ के बाहर नहीं जाए पड़त। तो अगर ये व्यवस्था गुजरात में बा, पंजाब महाराष्ट्र में बा, तो बिहारों में होके चाहिए ना भाई? एमे तो कोनो बहुत रॉकेट साइंस नहीं खे, 20-20, 30-30 वर्ष आदमी शासन चलावता, जब तू 15,000 के रोजगारे गांव में नहीं दे सकत तो का बिहार के विकास के बात हुई? बिहार के विकास के मतलब का बा? विकास तो तब न मानल जाए कि कोई महाराष्ट्र के आदमी आकर ऐजा काम करो तब विकास मानल जाए। हम अनिये के लेकर जाके ऐजा काम करी हम तब कैसे विकास मानल जाए भाई? देखी हमनी के ऐजा मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल बनता कहाँ? हरियाणा में, महाराष्ट्र में आदमी कार चलावता, जीप चलावता, बलेरो चलावता, बलेरो कहाँ बनता गाड़ी सब? तमिलनाडु में, हरियाणा में। रुआ सीमेंट इस्तेमाल करता नहीं, छड़ गिट्टी छड़ लगावता नहीं, स्टील लगावता नहीं अपना घर में, वो बनता उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। रेडियो टीवी फ्रिज एक चीज बिहार में नहीं बनत, बिहार में हमने के एक चीज बनावता नहीं जा, लो ग्रेड लेबर मजदूर बनावता नहीं जा, हमने के जा लैकन के मजदूर बनावल जाता। देश में जकरा मजदूर के जरूरत होता कहता जाके बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ, मान बात। देश भर में जकरा मजदूर चाहिए तो कहता जा भाई बिहार से पकड़ लाओ 200-400 आदमी। दुर्दशा बा राज्य के, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। आ देखिए व्यवस्था की, व्यवस्था ने आज हम लोग को पूरा देश का मजदूर बना दिया है। ये बदलना चाहिए, लोगों की ताकत में कमी नहीं है, आपको हमको यहाँ की व्यवस्था ने बेवकूफ बना रखा है। बाहरी जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब गरीब। ये दशा तब सुधरी जब हमनी के मिल के बिहार के बेहतर बनावल जाए, बिना ओकरा कोई उपाय नहीं थे। मोदी जी ना सुधार सकस, नीतीश कुमार, लालू यादव, प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकते हैं, रउआ मिल के सुधारे पड़ी। देखी गुजरात में एगो शहर बा सूरत, रउआ सब बहुत आदमी मोदी जी के वोट दिले हुई है, बाबू इधर आ जाइए। गुजरात में एक शहर है सूरत, अकेले एक सूरत शहर में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है, मजदूरी करता है। अब बात करो समझी, एक शहर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार के मजदूर बाड़ा, तो कितना फैक्ट्री हो? तो मोदी जी बिहारे में कुछ फैक्ट्रिया लगवा देते, हमनियों के लेकर कहे रोजगार मिल जाए तो सूरत ना जाए पड़ी। तो देखी हमने के अपना के सब आदमी चलाके बुझाता, हमने के देखी दुर्दशा। 26 MP का राज्य है गुजरात,
तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, आ 40 एमपी का राज्य है बिहार, तो हमनी के बन गई निजा, हमनी के लड़का बन गया वही फैक्ट्री में मजदूर, हमनी के घरे बैठ के खूब राजनीति बतियाओ तनिजा, बुझा तनिजा की हमनी से चलना कोई है ये नहीं थे। मानो दुर्दशा भाई, 26 एमपी का राज्य गुजरात हम लोग पर आकर शासन कर रहा है, हम लोग का लड़का जाकर उसके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, हमनी के घरे बैठ के मोदी 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 कर रहा बानी जा, बुझा तक यही से हमनी के तार तार दिया आके। तो जब तक ये बात से बाहर ना निकल जाए तब तक सुधर ना सके। आदमी कहता कि नेताजी ठग ले लो, अरे नेताजी कैसे रुआ के ठग लिया भाई, एक बार कोई ठगी, दो बार ठगी, तीन बार ठगी, ऐसा कैसे बाकी रुआ पांच पांच बार ठगा था नहीं, राहुल विधायक तीन बार से जीतल बाड़न, एमपी इनकर बाबूजी जीतत रहना भी लड़को जीतल बाड़न, तो कोई एक बार न रुआ के ठगी, पांच बार रुआ के कोई ठगत है कर मतलब है कि रुआ हम खुदे ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी जा, आवे ये भाई हमारे के ठग लो बाकी ना बात। तो आधा आदमी तो कहते कि क्या है भैया सब बुझाता ही सब बात, हमने के एक दिक्कत बाकी विकल्प नहीं थे, विकल्प रहित न हमने के का करें जा, लालू जी के जंगल राज से बचे खातिर कोई समूह आदमी जाके भाजपा में दे देता वोट, एनडीए के देता वोट, और आधा आदमी हमने के माइनॉरिटी के भाई लोग कहता रन जा कि क्या करिए भैया भाजपा के तो ना दे सकी, तो जाके ललटेने पर दे देता रहो, तो वोट होत कहां बा स्कूल पर और रोजगार पर, यही से नहीं सुधरत। आदमी कहता है भैया विकल्प रही तो हो जाए, तो पदयात्रा जोन बा उहे विकल्प बनावे के प्रयास बा कि समाज के जगह के समाज के सही आदमी के एक साथ लाके नया विकल्प बनावल जाए, तो प्रयास होको ना। रवा से पूछे आइल बनी खखार के बोली या ना होके तो ना बोली, बिहार में विकल्प के अभाव में गलत आदमी गलत पार्टी को आप बार बार वोट कर रहे हैं, तो नया बेहतर विकल्प जो जनता मिलकर बनाए प्रयास इसके लिए होना चाहिए ना, होको ना। तो विकल्प बनावे के दू गो तरीका बा, हम एक तरीका बा कि हम एगो दल बना ली, और दूसर तरीका बा कि पदयात्रा करके समाज के जगा ली, समाजे मिलके विकल्प बनाओ, तो दल बनाई या कि पदयात्रा करके पहले काम जन कर तनी कर ली, ठीक बा ना, कुछ गलत नहीं की ना करत, तो रउआ से वोट ना मांगनी, रउआ से चंदो नहीं की मांगत, और अपन नाम के झंडा बैनर पोस्टर भी नहीं की लगैले, अपन बाबू जी के फोटो नहीं की लगैले, गांधी जी के फोटो लगा के चलत आनी, रवा से कुछ मांगे आइल बानी, कुछ तो मांगब जरूर, रवा से का मांगे आइल बानी। आदमी कहता कि काम बहुत कठिन बा, कैसे हो 3500 किलोमीटर कैसे चलो, कैसे बिहार में बदलाव आई, बदलाव आई भगवान के कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि ईमानदारी से इस काम को पूरा करें, आपके आशीर्वाद से शक्ति मिले इस काम में पीछे नहीं हटे, जो संकल्प लेकर चले हैं बिहार से गरीबी और बेरोजगारी का नाश करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, अगर आप सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद है ना साथ में, करी ना प्रयास होको ना, राव पूरा आशीर्वाद दान साथ में, तो एक बार हमारे साथ बोलिए जय जनसुराज, जय जनसुराज।